हेलो स्टूडेंट्स, अपने 1 to 8 लेसन हो चुके हैं। अब अपने 1 to 8 तक के लेसन की अपने रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका रिवीजन ऑफ प्रीवियस चैप्टर, फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर्स। हमें क्या करना है, ब्लैंक्स दिए हैं ना खाली, उसमें फिल करना है कि उसको फिल करके हमारी कौन सी स्पेलिंग बनेगी। तो HAPPY हैप्पी, HAPPY हैप्पी, MIGST माइट, HALVES हेलवेस, HALVES हेलवेस, MOMENTS मोमेंट्स, MOMENTS मोमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें टिक करना है करेक्ट ऑप्शन पे। एन ओल्ड लेडी वॉज गोइंग टू, एक ओल्ड लेडी कहाँ जा रही थी, हॉस्पिटल, स्कूल, टेम्पल या मार्केट। तो वो कहाँ जा रही थी, मार्केट। एन ओल्ड लेडी वॉज गोइंग टू मार्केट। द ओल्ड लेडी स्टेप्ड ऑन द बेल ऑफ, ओल्ड लेडी ने किस पर कदम रखा, कौन से छिलके पे कदम रखा, बनाना, बनाना यानी केला, केले के छिलके पर कदम रखा। गिव द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स, हमें क्या करना है, ऑपोजिट्स देने हैं। ओल्ड का क्या हो जाएगा, ओल्ड न्यू, ओल्ड यानी पुराना, न्यू यानी नया, NEW न्यू। स्टार्ट का स्टॉप, STOP स्टॉप, स्टार्ट का क्या हो जाएगा, स्टॉप। हाँ तो स्टूडेंट्स आगे हैं, गिव का क्या हो जाएगा, टेक, TAKE टेक यानी लेना, गिव यानी देना। इनका क्या हो जाएगा, आउट, OUT आउट, इनका आउट, इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर। STAND स्टैंड, स्टैंड का क्या हो जाएगा, सिट, स्टैंड का क्या हो जाएगा, सिट, स्टैंड यानी खड़े होना, सिट यानी बैठना। नेक्स्ट है राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स, हमें 5 सेंटेंस लिखने हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे एग्जांपल दिया है, जैसे माय ग्रैंड पेरेंट्स आर लवली, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स क्या है, लवली। अब हमें दिए थे हेल्पफुल, फ्रेंडली, काइंड, ऑनेस्ट और केयरिंग, इनके ऊपर हमें 5 सेंटेंस बनाने हैं। तो पहले तो हमें क्या लिखना है, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर, उसके बाद ये 1, 2, 3, 4, 5 नंबर जोड़, इन वर्ड्स को ऐड करते जाए। तो फर्स्ट का क्या बनाना है हमारा, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर हेल्पफुल, इसे ऐड कर दिया इसे। नेक्स्ट है माई ग्रैंड पेरेंट्स आर फ्रेंडली, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो क्या है, फ्रेंडली है। नेक्स्ट है काइंड, तो हमें क्या लिखना है, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर काइंड। नेक्स्ट है ऑनेस्ट, तो हम क्या लिखेंगे, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑनेस्ट। लास्ट वन है केयरिंग, CARING, तो हम क्या लिख देंगे, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर केयरिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका नेम 2 वर्ड्स ऑन ईच पेटल, यानी ईच पेटल पे हमें 2 नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट है आपका ट्रीज, 2 ट्रीज के नाम लिखने हैं आपको। तो फर्स्ट हम लिख देते हैं मैंगो, नीम, NEEM नीम, मैंगो और नीम। नेक्स्ट है 2 बर्ड्स के नाम लिख दीजिए आप, कोई भी 2 बर्ड्स, पिकॉक, PEACOCK पिकॉक, दूसरा बर्ड है आपका
ईगल ई ए जी एल ई ईगल। दो फ्लावर्स के नाम लिखने हैं आपको, एल ओ टी यू एस लोटस यानी कमल, आर ओ एस ई रोज, रोज यानी गुलाब। दो एनिमल्स के नाम लिखने हैं, एल आई ओ एन लायन, टी आई जी ई आर टाइगर। अब सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, ब्रेक द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू टू मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी इन वर्ड्स को हमें दो टुकड़ों में बांटना है। तो फर्स्ट है इनसाइड, तो इसमें क्या जाएगा, आई एन इन एस आई डी ई साइड, इन साइड। नेक्स्ट है आपका एस यू एन सन, एल आई जी एस टी लाइट, तो हम क्या बनाएंगे, सन लाइट, एल आई जी एच टी लाइट, सन लाइट। नेक्स्ट है आउटसाइड, ओ यू टी आउट एस आई डी ई साइड, तो हमारा क्या बनेगा, आउट साइड। एल यू एन सी एच लंच, बी यू एक्स बॉक्स, तो फर्स्ट में हम क्या लिख देंगे, एल यू एन सी एच लंच, बी यू एक्स बॉक्स। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सर्कल द ओड वन। अब हमें एक लाइन में चार चार वर्ड्स लिखे हैं, उनको पहले रीड करना है और जो ओड है यानी जो अलग है उस पर सर्कल करना है। तो फर्स्ट है आपका हैंड, लेग, फिंगर, ब्रश। देखिए हैंड, लेग और फिंगर बॉडी पार्ट्स नेम है, ब्रश एक डिफरेंट पार्ट नेम है, तो हमारा ब्रश क्या हो जाएगा, ओड वन हो जाएगा, तो हम इस पे सर्कल कर देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट है एप्पल, मैंगो, पोटैटो, गुआवा। एप्पल, मैंगो एंड गुआवा क्या है, हमारे फ्रूट्स है, क्या है, फ्रूट्स है। बट पोटैटो क्या है, हमारा डिफरेंट है, आलू हमारे वेजिटेबल नेम है, तो हम इस पे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है टीथ, कॉम्ब, टंग, लिप्स। टीथ, टंग, टीथ यानी दांत, टंग यानी जीभ, लिप्स यानी होंठ, ये अपने माउथ के पार्ट है, जबकि कॉम्ब क्या है, माउथ का पार्ट नहीं है, तो ये ओड वन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है पेन, टॉय, पेंसिल, इरेजर। पेन, पेंसिल और इरेजर हमें लिखने के काम में आते हैं, जबकि टॉय, हम टॉय से हम क्या करते हैं, खेलते हैं, टॉय मीन्स क्या होता है, खिलौना, तो टॉय क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंट हो जाएगा, इस पे सर्कल कर देना है। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। देखो बॉक्स के अंदर कुछ एक वर्ड्स दे रखे हैं मैंने, इनको चूज करके हमें नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका एट नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। बॉक्स के अंदर आपको वर्ड्स दे रखे ना, गार्बेज, होमवर्क, सिटी, पेंसिल, इनमें से चूज करके आपको फिल करने हैं। तो अरुण वॉज डूइंग हिज, अरुण क्या कर रहा था, होमवर्क। अरुण वॉज डूइंग हिज होम वर्क। वी मस्ट कीप अवर, हमें किसको साफ रखना चाहिए, क्लीन यानी साफ रखना चाहिए, सिटी को, हमारे शहर को साफ रखना चाहिए, सी आई टी वाई सिटी। वी मस्ट कीप अवर सिटी क्लीन। अरुण थ्रू द रैपर ऑफ टॉफी, अरुण ने टॉफी का रैपर कहाँ फेंक दिया था, इन टू द डस्टबिन, डी यू एस टी बी आई एन डस्टबिन, इन टू डस्टबिन। देयर वॉज ए हिप ऑफ, वहां एक ढेर था किसका, गार्बेज का, किसका था, गार्बेज, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, गार्बेज। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी नीचे लेटर्स लिखे हो ना, एक एक लेटर लिखा हो, एक एक अक्षर लिखा हो, उसके आगे हमें वन वर्ड लिखना है। तो समझिए पहले, स्मॉल डस्टी पार्टिकल्स, छोटे छोटे टुकड़े ऑफ द पेंसिल, पेंसिल के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, क्रम्स, सी आर, सी आर यू एम बी एस, क्या बन गया, क्रम्स।
यानी छिलके, वेस्ट पेपर और फूड, खराब कागज और फूड या भोजन, दैट यू थ्रो अवे जिसे आप फेंक देते हो, दैट यू थ्रो अवे जिसे आप फेंक देते हो उसे हम क्या बोलते हैं, गारबेज, क्या बोलते हैं, गारबेज, GARBAGE, गारबेज। नेक्स्ट है ए लार्ज कंटेनर, एक बड़ा सा कंटेनर या डिब्बा, विद ए लीड यूज फॉर पुटिंग गार्बेज, जिसे हमें जिसे हम गार्बेज फेंकने के काम में लेते हैं, गार्बेज यानी कचरा फेंकने के काम में लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डस्टबिन, DUSTBIN, डस्टबिन। हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका, नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय गिवन बिलो यूजिंग आई एंड वी का यूज करके, आई एंड वी का यूज करके हमें इन सेंटेंसेस को फिल करना है। तो एम जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा किसके साथ लगती है, आई के साथ, और जो ये आर हेल्पिंग वर्ब होती है ना ये किसके साथ लगती है, वी। तो जहां भी एम हो हमें आई लगा देना है, और जहां वी हो, डब्ल्यू ई वी हो, सॉरी जहां आर हो, ए आर ई आर हो, तो वहां हमें वी लगा देना है। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा हमारा, एम लगा हुआ, तो एम किसके साथ लगता है हमेशा, आई के साथ, आई एम प्लेइंग। आर किसके साथ लगता है, वी, वी आर प्लेइंग। एम आ गया आई एम रीडिंग अ बुक, नेक्स्ट है आर आ गया वी आर रीडिंग बुक्स, ओके। नेक्स्ट है राइट द स्पेलिंग एंड देयर मीनिंग्स, एम ई ए एन आई एन जी एस, मीनिंग्स, उनके मीनिंग्स लिखने हैं हमें। तो क्रम सी आर यू एम बी एस, सी आर यू एम बी एस, क्रम से यानी क्या होते हैं, छिलके, क्रम से यानी छिलके। नेक्स्ट है हेल्थी, एच ई एल टी एच वाई, हेल्थी यानी स्वस्थ, हेल्थी यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, स्वस्थ। लैंग्वेज, लैंग्वेज की स्पेलिंग एल ए एन जी यू ए जी ई, लैंग्वेज, एल ए एन जी यू ए जी ई, लैंग्वेज मीन्स भाषा। पिल, पी डब्ल्यू एल पिल, पिल यानी छिलका। माइट, एम आई जी एस टी, माइट यानी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, माइट यानी पराक्रम शक्ति, माइट मीन्स पराक्रम शक्ति। हाँ तो स्टूडेंट्स आपके 12 नंबर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो व्हेन डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कब खेलते हो, तो वी प्ले विद आवर फ्रेंड्स इन द इवनिंग। What was the old woman carrying? Old woman क्या ले जा रही थी, कैरिंग यानी क्या होता है, ले जाना, तो हम क्या लिखेंगे, She was carrying the fruit, F R U I T, fruit of basket. She was carrying the fruit of a basket. What was the name of the king? राजा का क्या नाम था, तो हम क्या लिखेंगे, the name of the king was Soma Verma. V A R M A. राजा का नाम क्या था, Soma Verma. How many times should we brush our teeth a day? हम कितनी बार करते हैं, We should brush our teeth twice a day. हम क्या लिखेंगे, We should brush our teeth twice
a day. We should brush our teeth twice a day. What make the floor dirty? फ्लोर कैसे गंदा हो गया था? The crumbs, 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 and pencil lead powder made the floor dirty. अरुण वाले लेसन में था, उसने फ्लोर को कैसे गंदा कर दिया था, पेंसिल के छिलके और पेंसिल का जो पाउडर होता है उसकी वजह से हमारा जो ब्रश था वो गंदा हो गया था. तो स्टूडेंट्स, आप इनका बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेकर इनको कंप्लीट कर सकते हैं. हाँ तो स्टूडेंट्स, आई होप ये 1 to 5 लेसन के रिवीजन आपके लिए काफी हेल्पफुल हो एंड एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल हो. तो स्टूडेंट्स, जहाँ भी आपको कुछ राइट डाउन करना हो तो आप अपनी वीडियो को पॉज करके उसे राइट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे.